हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इनके एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी सेकंड पेज एग्जाम डेट एंड एग्जाम सेंटर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके एग्जाम डेट एंड एग्जाम सेंटर जारी हो चुके हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एग्जाम डेट एंड एग्जाम सेंटर है वो कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होने वाला है। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इनके एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड हर पल की समस्त अपडेट, जैसे आंसर की, रिजल्ट डेट वगैरह वगैरह समस्त अपडेट है आपको सबसे पहले दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब आपको बता देते हैं कि आप आरआरबी एनटीपीसी सेकंड पेज एग्जाम के डेट एंड एग्जाम सेंटर है वो कैसे चेक कर पाओगे। दोस्तों हम आपको ये चीज़ बता देते हैं कि लगातार विद्यार्थी इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं कि विभाग की ओर से कोई ना कोई नोटिफिकेशन है वो जारी हो, लेकिन दोस्तों विद्यार्थियों का इंतजार है वो अभी और जारी रहेगा। अब आपको चेक करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले प्यारे स्टूडेंट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउट पर सेंड कर देनी है, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन आपका उम्र का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपीबीआर, हमारा राजस्थान एमपी, अन्य किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 to 12 आईटीआई जेईई मेंस एंड एडवांस तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की सारी बुक वीडियो सोल्यूशन के साथ मिल जाएगी। क्लास 9 से लेकर 12th वालों के लिए चली जा रही डाउटनेट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों का विश्वास डाउटनेट ऐप आज ही डाउनलोड करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक विभाग की ओर से ना ही एडमिट कार्ड जारी हुए, ना ही एग्जाम डेट तो हालांकि विभाग ने जारी कर दी है, और ना ही आपके सेंटर जारी हुए। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तो मैं अपडेट आप तक पहुँचा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।